पैंथर मेरा गाड़ी में बर्फ जम गया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये देख रहे हो मेरा गाड़ी में बर्फ जम गया है। ऐसा नजारा है कुछ पांग का। कार में भी पूरा बर्फ जम गया है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। अभी पी रहा हूँ मैं गर्म पानी। हाँ देखो तो भाई अपन रुके थे यहाँ पुटला पांग रेस्टोरेंट। अपना स्टिकर भी लगा दिए। ये भैया लोग सब साथ में थे, ये सब हैदराबाद से आए। आपका नाम? नरेश। आपका? अरुण। साई। और मैं गोपाल। तो अब हम लोग सब निकल रहे हैं। भैया हिमालयन में आए हैं दोनों, और वो भैया आराधी चरण में आए हैं। और सर हमको टॉफी मजा आएगा, ले तो चुछी। सर हमको टॉफी दे रहे हैं, थैंक यू। तो भाई लीजिए, हम निकल गए हैं पांग से, अब जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। कल रात बहुत डेंजर था भाई, कल रात की हालत खराब हो गई मेरी, तो सर दुख रहा था। अब ठीक हूँ, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यार दिस इज द लैंडस्केप ना, पूरा देख रहे सामने में कितना सुंदर लग रहा है। ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है मुझे, अगर मुझे हो रही है तो मेरी पैंथर को भी हो ही रही होगी ऑब्वियसली। ओके वी आर इन मोरे प्लेन्स, दिस इज मोरे प्लेन्स। यस वी आर इन मोरे प्लेन्स, देख रहे हो। वाह यार मजा आ गया। सुपर यार, जन्नत है जन्नत। वी आर इन मोरे प्लेन्स। क्या क्लीन एंड क्लियर रोड है भाई, देख रहे हो ऐसी जगह पे। मजा आ गया यार, कुछ काम चल रहा है शायद इधर और भी। ओके गिर गया था क्या? ये भैया लोग अपने साथ जा रहे हैं और ये भी है साथ में, उनकी है हिमालयन और इनके पास है RR 310। लेकिन स्टिल वो बोल रहे हैं कि आपके साथ हम 90-100 किलोमीटर जाएंगे। ये अच्छा लगता है यार, मतलब एक सपोर्ट अगर मिल जाए ना ऐसे हजारों किलोमीटर दूर आपको, तो एक अलग ही अच्छा लगता है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और तांगलंगला यहाँ से 54 किलोमीटर और है। जो हम पांग में रुके थे वहाँ पर सस्ते में हमारा काम हो गया, रूम सेपरेट लिया था मैंने। अगर ऐसे बेड लेते तो 200 रुपीज़ था और ऐसे लेते तो 600 रुपीज़ था, और 120 रुपीज़ का खाना यानी कि 720 रुपीज़। ठीक है कोई बात नहीं, सेपरेट रूम लिया था मैंने, और आंटी अंकल बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव थे।
नमस्ते, मी एंड माय पैंथर इज हियर, हैव अ लुक, नो वन इज हियर. सुपर्ब, बट इट्स क्वाइट हॉरिबल ऑल्सो बिकॉज आई एम अलोन. खाने का ले लेते हैं यार, भूख तो लग रही है वैसे भी. चलो यहीं रुकते हैं, कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है. यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है. क्या मिल जाएगा अभी खाने के लिए? चॉकलेट जैसा कुछ है? चॉकलेट वॉकलेट है? दिखाइए. आ जाऊं? हाँ ये दे दीजिए. इस जगह को बोलते हैं डेवरिंग और वो खड़ी अपनी पैंथर. यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया है और ये देखो भाई डेंजर दिख रहा है, एक वो ऊपर भी लगा है. चलो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर. तंगलंगला यहाँ से ओनली 14 किलोमीटर है और देख रहे हो सामने कितना सुंदर नज़ारा है. मुझे अपनी पैंथर का एक मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा और मैं यहाँ रोक भी नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए. शार्प टर्न अहेड. वाह यार कितना ऊपर है हम, देख रहे हो. तंगलंगला जो है ना वो वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पास है, मोटरेबल पास. तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होने वाला है मेरे लिए कुछ ही देर में. अपने को वहाँ जाना है, देख रहे हो. लक तो बहुत ऊपर रहा है लेकिन क्या होता है ना, वो रोड से आ रहे हैं हम लोग. वो सामने में दिख रहा है जो छोटू सा, देखो लैंडस्केप भाई क्या सुंदर है यार. वाह, थोड़ा थोड़ा सांस फूल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का कमी क्लियर पता चलता है ना यहाँ पे. वाह यार एक जरा सी गलती इंसान खत्म यहाँ से, समझे. 9 किलोमीटर्स और है तंगलंगला. भाई साहब देख रहे हो वो जो बर्फ वाले पहाड़ है ना, वो एकदम सामने में है मेरे. देखिए सर लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं के कारण यार रोड बन रहा है. बस तंगलंगला और ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों. भाई देख लो क्या नजारे हैं यार. और ये हमारी गाड़ी थोड़ी मेहनत लग रही है, फुल थ्रॉटल में है लेकिन 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से. तो भाई साहब वेलकम टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पास तंगलंगला. ओ माय गॉड तंगलंगला आ गए भाई. वी आर एट तंगलंगला. मजा आ गया भाई, हिस्ट्री क्रिएटेड. तंगलंगला एल्टीट्यूड 17,582 फीट. यू आर पासिंग थ्रू सेकेंड हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड. वाह यार वाह. और ये है हमारी पैंथर तंगलंगला में. भाई वी आर एट तंगलंगला, थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड. इट्स 17,582 फीट अबोव सी लेवल. और ये मैंने किया है मेरी पैंथर से. ये मंदिर है और ये
मैं हूँ। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी यार, एंड ऑल्सो फॉर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। जुले जुले शर्माते हैं बच्चे। तो भाई हमारे भारतीय तिरंगा वहां भी लगा है और यहां भी लगा है और अपने दिल में भी लगा है। तंग लंग ला बाय बाय, चलो भागे। ये था 17,582 फीट और ले है 11,000 कुछ समथिंग। मतलब ये तो क्लियर है, अब सिर्फ नीचे उतरना है, ऊपर नहीं जाना है। चलिए, बर्फ है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। वो जो रास्ते देख रहे हो ना, वही रास्तों में जाना है, धीरे धीरे हौले हौले। ऊपर है भाई स्नो है, लेकिन अभी तक एकदम सामने में बहुत सारी स्नो दिखी नहीं है। इट मे बी पॉसिबल खारदुंगला में दिखे। खारू 75, ले 110, उपशी 60 किलोमीटर्स। ये है भाई स्नो, दिख गई हमको। चलो 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 छू के देखते ना यार, यहाँ आए और स्नो नहीं छुआ तो क्या मतलब। ये रही स्नो, देख रहे हो, ये पूरी स्नो है। थोड़ा सा हम अपनी पैंथर में भी डाल देते हैं। पैंथर कैसा लगा भाई, मजा आया? चलो ओके। उधर देखो जंगली बकरियां, दिख रही है आपको? चलो सांस फूल गई। वो देखो माउंटेन गोट्स, पूरा झुंड है।